हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहा करते थे, बच्चा भिखारी का हाथ ऐसा और साधु का हाथ ऐसा। महाराज जी कहते थे भिखारी का हाथ ऐसा और साधु का हाथ ऐसा। वो कहते थे मुंह से न कहे, संसार के किसी भी व्यक्ति से कुछ भी लेने की इच्छा संकल्प यदि तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गया तो तुम तत्काल साधुता से नीचे गिर गए, भ्रष्ट हो गए और तुम भिक्षुक हो गए, भिखारी हो गए। अब महाराज कहते थे कि कभी कोई साधु महात्माओं को ये नहीं कहता, भले ही वो मधुकरी मांग के खाते हैं फिर भी लोग ये नहीं कहते आइए भिखारी जी महाराज, ये बोलता है कोई? क्या कहते हैं? आओ महाराज, भिखारी जी कोई नहीं बोलता है। मांगते भिखारी भी हैं और मांगते संत भी हैं, पर संत को भिखारी नहीं कहते, क्योंकि भिक्षान्न प्राप्त करना यह तो देह धर्म का पालन है, वो याचना नहीं है। लेकिन इस देह के लिए जो अत्यंत आवश्यक है, उस अन्न आदि की भिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी लेने की इच्छा रखने वाला तत्काल अपने पद से, पथ से और पद से नीचे गिर गया। इसलिए किसी से कुछ लेने की इच्छा न करे। और महाराज अपने जीवन की घटना सुनाते थे, बाबा ये बात बहुत पुरानी है, मैंने अनुमान है लगभग सन 37-38 की बात होगी, 1937-38 की बात होगी। अंग्रेजी शासन तो था ही और पहाड़ी बाबा खाक्षुक आश्रम में पुराना मंदिर था और झोपड़ा बने हुए थे, उन्हीं में संतों के आसन थे। अब झोपड़ा बार बार बदलने पड़ते थे, बरसात के बाद फिर उसको सुधारना पड़ता था, और कुठार पक्का था और ठाकुर जी का मंदिर बस, और बाकी सब कच्चा था। तो कुछ भगत लोग आते थे ग्वालियर के और बार बार कहते बाबा कछु सेवा बताओ। तो महाराज जी के मन में आया कि चलें भक्त को कहें कि तुम बार बार सेवा के लिए कहते हो तो हमारे स्थान में टीन सेट डलवा दें तो संतों को सुविधा हो जाएगी। तो सवेरे ठाकुर जी के सेवा करके चले, पहुंच गए ग्वालियर। ट्रेनें भी कम चलती थी और लकड़ी झोंकने वाली ट्रेन चलती थी उस समय, लकड़ी झोंकते थे, लकड़ी जलाते थे ट्रेन में। और ग्वालियर पहुंचे, जिस व्यक्ति के यहां पहुंचे कुछ लेने की इच्छा से, वो वैश्य थे, अपनी गद्दी पर बैठे थे। महाराज जी जैसे ही पहुंचे, आओ महाराज पधारो, तुरंत उन्होंने अपनी गद्दी पे सेठ जी ने कंबल बिछा दिया, विराजो महाराज। महाराज जी बैठ गए। कहो कैसे पधारे? महाराज जी ने कहा बार बार कहते थे कि हम कुछ सेवा बताइए, तो हमारा मन है टीन सेट यदि डल जाए जहाँ झोपड़ा है तो बार बार परेशानी नहीं होगी संतों को। तो इतना सुनते ही वो जो महानुभाव थे उन्होंने महाराज जी की तरफ तो पीठ कर लिया और वो और व्यवहार की बातों में व्यस्त हो गए, चाहे ग्राहकों से या अपने मुनीम वगैरह से चर्चा करने लगे। महाराज जी को उत्तर नहीं दिया, उधर पीठ कर लिया। और महाराज जी तो बहुत स्वाभिमानी भी बहुत थे, वो तो नृसिंह भगवान थे, हम तो उनको नृसिंह भगवान के रूप में ही अनुभव करते थे। वो कहाँ इतनी देर बैठने वाले और सहन करने वाले। जैसे ही भगत ने पीठ दिखाई
सभी महाराज जी उठे, 5-7 मिनट में ही वहाँ से उठ गए। थोड़ी देर तो प्रतीक्षा किया कि शायद जरूरी बात हो, लेकिन देखा इसने बिल्कुल उपेक्षा कर दी। तो महाराज वहाँ से उठे और पैदल चल करके रेलवे स्टेशन पहुँचे, फिर रेल में जो भी रेल तैयार थी बैठ करके फिर मथुरा आए, मथुरा से पैदल चल के वृंदावन आए। तो सवेरे केवल बाबा ठाकुर जी का चरणामृत लेके गए थे, कुछ खाया पिया नहीं था, और रात्रि को लौट के आए तो 12 बज गए। मथुरा से पैदल चल के आए वृंदावन, तो रात्रि को 12 बजे स्थान में पहुंचे। बीच में कहीं जल भी नहीं पिया था उन्होंने। और आप विचार कर सकते हैं, महीना भी जेठ का था तो ज्येष्ठ मास में कितनी गर्मी होती है। महाराज ने दिन भर पानी नहीं पिया और वहां लौट के आए वहां से, तो खूब तालू चिपक रहा था प्यास के मारे, तो कुआं से बाल्टी खींच, अभी भी कुआं है वहां खाक चौक में, कुआं से पानी खींच करके महाराज जी ने खूब स्नान किया पहले तो, अब फिर जल पिया। और वहीं हाथ में जल लेकर संकल्प किया, हे रघुनाथ जी आपके नाम से लंगोटी लगाई साधु बने और अपना व्रत भंग करके हम केवल टीन सेट डलवाने के लिए हम गए, अब हम ये प्रतिज्ञा करते हैं आपके चरणों में कि जीवन की अंतिम श्वास तक कभी किसी संसार के मनुष्य से क्या चले, किसी से भी कुछ भी लेने की इच्छा नहीं करेंगे। मांगने की बात तो बहुत, इच्छा ही नहीं करेंगे, संकल्प का ही त्याग करते हैं हम। साधु क्या टीन से डलवाने के लिए बने थे कि मकान बनाने के लिए बने थे साधु? हम तो भजन करने के लिए साधु बने थे। तो टीन से डले चाहे न डले, अरे पुरखा झोपड़ा में बीत गया जब जीवन, हमारा भी झोपड़ी में बीत जाएगा, टीन सेट की क्या जरूरत अपने को, न डले और याचना नहीं करनी। सो कहते जैसे ये संकल्प किया तो बड़ी शांति आ गई और जल पी के फिर विश्राम में चले गए। भैया जी तीसरे दिन उसके परिवार के वे ही महानुभाव जिन्होंने पीठ दिखा दी थी वे ही महानुभाव आकर साष्टांग पड़ गए, जोर जोर से रोने लगे। तो महाराज जी ने कहा कहो क्या हो गया? अरे बोले महाराज पता नहीं आप क्या करे आए हैं, हमारे घर में सब मरणासन्न पड़े, लगता है कि अब कोई बचेगा ही नहीं हमारे परिवार, सब बस चक्कर आता और गिर जाते हैं, बेहोश पड़े हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले अरे राम राम बड़े दुख की बात है, भैया तुम हमारे ऊपर शंका कर रहे हो, भगत जी तुम हमारे ऊपर शंका कर रहे हो कि हमने कुछ कर दिया, तो हमने कभी आज तक किसी भी प्राणी के अनिष्ट का चिंतन अपने मन से नहीं किया, और हम न कोई जादू टोना वाले हैं और ना हम तंत्र मंत्र वाले हैं, हम तो सीधे साधे राम राम करते हैं। तो अब राम जी की लीला राम जी जाने, हाँ ये बात जरूर है, इतनी बात जरूर है कि हम गए थे बड़ी आशा से और हमारी आशा पूरी भई नहीं, तो हमें बड़ी पीड़ा तो भई, दुख तो हमको हुआ, और यहाँ लौट के हमने पानी पिया और लेकिन अब हम बड़े सुखी हैं, क्यों? हमने निश्चय कर लिया कि हमें कुछ करना ही नहीं, भजन छोड़ के दूसरा काम नहीं करना, अब किसी से कुछ मांगना नहीं है, इच्छा भी नहीं करनी है। बोला महाराज वो बहुत बड़ा अपराध हो गया महाराज हमसे, क्या करें हमारी बुद्धि मारी गई, आप कृपा करो हमें 2 हाथ जगह बताओ, हम कुछ टीन सेट में तो फिर गल जाएगा पक्का बना देंगे, 2 हाथ जगह बता दो। महाराज जी बोले कि जो बनवाना है जिनको उनके पास चले जाओ, हमारे पास कोई जगह वगैरह नहीं है, हमारे जैसे वैसे ठीक है।
सो रोने लगा, बोले इसका मतलब आपने हमको क्षमा नहीं किया, हमारे परिवार को प्राण दान दो। तो महाराज जी कहते कि अब कुछ तो पिंड तो छुड़ाना था, तो धूना की विभूति लेकर हमने कहा जाओ सबके माथे पे लगा देना, ठीक हो जाओगे, हो जाएंगे, लेकिन बनाने वनाने का हमको कोई अब आवश्यकता नहीं है, ले जाओ 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 यहाँ से, लेकिन यहाँ रोग आओ मत। कहते आश्चर्य हो गया, वो जाते ही कुछ वो भस्म लगाई, सब ठीक हो गए। फिर उन्होंने बनाया, अब तो पुराना सब विसर्जित करके वहाँ नया निर्माण हो गया है। फिर जो टीन सेट जिन्होंने नहीं बनाया था, उन्होंने लगभग पूरे स्थान का निर्माण, जो पुराना स्थान जितना था, नीचे का पूरा पंगत घर, रसोई घर, संत निवास, सब उन्होंने बनाया, एक ही व्यक्ति ने बनाया। जब इच्छा की तब टीन सेट के लिए भी हाँ नहीं किया, और जब संकल्प का त्याग कर दिया तो बिना संकल्प के सब कुछ हो गया। और विलक्षण बात, भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल में अन्न नहीं मिल रहा था, और श्रावण भादों का उत्सव का समय आ गया, तो 20-25 महंत वृंदावन के संत समाज के अंग्रेज कलेक्टर से मिलने गए मथुरा। अंग्रेज कलेक्टर था कि महाराज हमारे यहाँ उत्सव आ रहा है, थोड़ा अन्न की व्यवस्था हो जाए। तो अंग्रेज कलेक्टर बोला हम कुछ नहीं सुनेगा, जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा, कह के भीतर चला गया। माने उसके कहने का मतलब था कि तुमको गेहूं खाना है साधुओं को तो गोली खाओ, माने फौज में भर्ती हो जाओ, युद्ध करो, लड़ाई लड़ो, तो रोटी खाने को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा। ये बात है सन 1942 की। महाराज जी ने कहा रे राम राम बताओ, हम 10-20 महंत गए और उसने ऐसे कह दिया अधिकारी ने। लौट के आए तो सब तो अपने उनके ऊपर प्रभाव, महाराज जी के चित्त पर बड़े जल्दी प्रभाव पड़ जाता था। महाराज जी लौट के आए, बोले अरे राम राम, हम राम जी के सहारे राम जी का दरबार छोड़कर एक अंग्रेज के पास गए अन्न मांगने के लिए, है धिक्कार है तुमको? राम 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 राम, लोगों के बहकावे में आ गए, अब अन्न का आज से त्याग कर देते हैं। 1942 में उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया और 2003 तक अन्न का स्पर्श नहीं किया। मध्याह्न में 24 घंटे में एक बार 1.5 छटाक साग और शाम को 1.5 पाव दूध, यही उनका 1942 से लेकर और 2003 तक यही आहार रहा उनका। पाव भर से अधिक कोई वस्तु अपने पेट में कभी जाने नहीं दी, महान योगी राज थे। लगभग 125 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। आपने दर्शन नहीं किया, क्या कहना, ऐसा दिव्य स्वरूप था उनका, अद्भुत था। और रसोई रोज बनाते थे ठाकुर जी के अपने हाथ से, रसोई 8 फुलका भगवान के लिए बनाना, साग बनाना, दाल, सब रसोई पूरी बनाते थे ठाकुर जी का। साग का प्रसाद थोड़ा सा लेते थे बस, अलग से कोई फलाहार नहीं, सब्जी प्रसाद वही 1.5 छटाक साग, 1 छटाक हाथ में ले ली, फिर ठाकुर जी की कटोरी से फिर 1/2 छटाक ले ली, ऐसे पा गए, हो गया उनका फलाहार, ये उनका फलाहार था। ठाकुर जी ने फिर एक बार परीक्षा ली, देखो प्रतिज्ञा किया कि हमको किसी से कुछ नहीं लेना है, तो उसके बाद तो यह घटना घटी, तो अन्न भी छूट गया। बोले ठाकुर जी को तो भोग लगाएंगे लेकिन अब अपने ऊपर अन्न का प्रतिबंध कर देते हैं, कर दिया। इसके बाद क्या हुआ,
कि एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि ठाकुर जी को केवल चावल का भोग लगा, दही भात और कुछ जमुना जी के किनारे से भाजी उतार लाए थे, उस भाजी एक फूटी कौड़ी स्थान में नहीं, दही भात और भाजी ये ठाकुर जी को भोग लगा। और दूसरे दिन के लिए ठाकुर जी को क्या भोग लगेगा वो नहीं था। महाराज जी प्रतिज्ञा कर चुके, न एक मुट्ठी अन्न किसी से मांगेंगे और न एक रुपए किसी से मांगेंगे। तो ठाकुर जी को भोग धरा के गए और जब भोग उसारने आए तो ठाकुर जी मन ही मन ठाकुर जी को जब श्रृंगार उतार रहे थे, बढ़ा रहे थे श्रृंगार, अभी भी खाक चौक के वही ठाकुर जी हैं, तो मुकुट क्रीट बढ़ा करके श्रृंगार धनुष बाण बढ़ा दिया जाता ना, जैसे भोग लगाते हैं तो मुरली धनुष बाण सब अलग कर दिया जाता है, तब ठाकुर जी आरोगेंगे, आचमन कराया जाता, यही पद्धति है। तो भोग लगाते लगाते ठाकुर जी से कहा महाराज जी ने मन ही मन, देख लो सुन लो कान खोल के, हम हाथ तो पसारेंगे नहीं किसी के सामने, रही आपके राग भोग की बात, तो स्थान में गैया है, दिन भर गैया चराएंगे, जमुना जी के पल्ली पार जाके जमुना किनारे गैया चराएंगे और खूब चकाचक दूध का भोग आपको लगाएंगे, दही का भोग लगाएंगे, मठा का भोग लगाएंगे, माखन का भोग लगाएंगे। अब अन्न की तो राम राम, आपको अन्न का भोग लगाना हो तो अपनी जुगाड़ खुद करो, हम न किसी से कहने वाले हैं न किसी से मांगने वाले हैं। ऐसा मन ही मन ठाकुर जी से कह के गए और जब भोग उसारने आए ठाकुर जी का, तो खाक चौक के ठाकुर जी की दहली पे 2 रुपया रखे, कितने रुपया 2 रुपया। ये भी घटना 1942 की है, 2 रुपया रखे। तो उन जमानों में सेठ साहूकार तो चुवन्नी चढ़ाते थे, नहीं तो आम जनता तो धेला पाई चढ़ाती थी, धेला चलता था, पाई चलती थी, और कोई राजा आता था तो रुपया चढ़ाता था, 1 रुपया चढ़ाने वाले को राजा माना जाता था, महाराज जी सुनाते थे। तो महाराज जी ने एक संत रहते थे खाक चौक में, उनका नाम था श्री दामोदर दास जी, वो ठाकुर जी के दरवाजे पे बैठे थे। तो महाराज जी, दामोदर दास, हाँ महाराज, अरे भाई कौन आया, ये भेंट कौन चढ़ा गया 2 रुपया। तो बोले महाराज यहां तो मक्खी नाय आई, ऐसे बोलते थे, यहां तो माछी ना है, माने मक्खी नहीं आई, यहां कोई ना आया, हम तो यहीं बैठे हैं, कौन आवेगो महाराज, कौन चढ़ावेगो 2 रुपया। ब्रजवासी महात्मा थे, कौन चढ़ावेगो महाराज, कोई ना आया हो यहां तो। महाराज जी समझ गए कि कोई भी मनुष्य यहां आया नहीं, तो ठाकुर जी से कह के गए थे कि भाई तुमको भोग लगाना है तो व्यवस्था कर लो। तो ठाकुर जी ने 2 रुपया दिए, अब कहाँ से दिए ठाकुर जी जाने। तो कहते उस समय 1 रुपये के 32.5 शेर तो चना आए, कितने 32.5 शेर चना आए, और फिर बाकी 1 रुपये में दाल भी आ गया, चावल भी आ गया, ठाकुर जी का भंडार 2 रुपये में भर गया। और कहते जब से 2 रुपये में भंडार भरा तब से आज तक खाली नहीं हुआ, 2 रुपये में भरा भंडार हो आज तक खाली नहीं हुआ। आप कहेंगे कि आप ये सब बात क्यों सुना रहे हैं, हमारे सुनाने का प्रयोजन यही है कि वस्तुतः भगवत शरणागत भक्त को कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए। भक्त का सबसे पहला लक्षण है निरपेक्ष, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणु भी। जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासु उर सो राउर निज गे। और सच्ची बात है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, भगवान की प्रतिज्ञा है।
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वहन करता हूं और भगवान ही योगक्षेम का वहन कर रहे हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।